गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रिलिम बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है पराए शिक्षालय। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है पराए शिक्षालय। इसके अंदर क्या होगा कि जो बच्चे स्कूल्स से ड्रॉप आउट हो गए हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते, खासकर जो छोटी क्लासेज में है, जैसे प्राइमरी स्कूल में है या सिक्स सेवन्थ क्लास में है, जिनके अभी तक स्कूल शुरू नहीं किए हैं कोविड की वजह से, उनको पढ़ाने के लिए ये एक स्कीम शुरू की गई है। तो हुआ क्या, अभी रिसेंटली जनवरी 31st को क्लासेस 8 से लेकर 12 तक के तो स्कूल्स खोल दिए गए, लेकिन जो छोटे बच्चे जो लोअर क्लासेस में पढ़ रहे थे उनको कहा गया कि वो ऑनलाइन क्लासेस में ही पढ़ेंगे। तो अब देखो, अब जब से पैंडेमिक शुरू हुआ तब से जो है छोटे बच्चों की जो है क्लासेस नहीं चली हैं कोविड की वजह से, तो वो उनकी जो है लर्निंग जो है अफेक्ट हो रही है। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या है एक सोल्यूशन निकाला है इसका, कि जो फर्स्ट क्लास से लेकर सेवन्थ क्लास तक के बच्चे हैं उनको ओपन एयर क्लासरूम दिया जाएगा। अब क्या होगा कि जिन स्कूल्स में तो अवेलेबिलिटी है कि ग्राउंड बड़ा है उनका या उनके पार्क्स बड़े हैं, तो वहाँ पर उन बच्चों को बुलाकर पढ़ाया जाएगा। लेकिन जहाँ पर जिन स्कूल्स में इतनी बड़ी ज़मीन नहीं है, इतने बड़े ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, तो उसको क्या किया जाएगा कि वहाँ के लोकल काउंसलर्स और MLAs की मदद से वहाँ के जो लोकल एरियाज़ में पार्क्स हैं वहाँ पर ही ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, और स्कूल एक तरह से स्कूल बनाकर उस पार्क्स में बच्चों को ओपन एयर में, ताकि कोविड का खतरा ना रहे, इसके लिए ओपन एयर में उनको पढ़ाया जाएगा। तो यही है आपकी पराए शिक्षालय स्कीम, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की स्कीम है ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड कैंसर डे। तो 4 फरवरी को हम हर साल कैंसर डे मनाते हैं, ताकि हम कैंसर के खिलाफ अवेयरनेस जनरेट कर सकें, उसकी प्रिवेंशन, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के लिए। तो इसको जो है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल जो है वो मनाता है इस वर्ल्ड कैंसर डे को, और ये इसलिए मनाया जाता ताकि वर्ल्ड कैंसर डिक्लेरेशन जो कि 2008 में लिखी गई थी उसके गोल्स को अडॉप्ट किया गया था इस दिन, इसलिए हम वर्ल्ड कैंसर डे को मनाते हैं। तो वर्ल्ड कैंसर डे का मेन मोटिव क्या है कि इलनेस को कम करना, डेथ जो है कैंसर की वजह से होती है उसको कम करना, और इसको इस डे को यूनाइटेड नेशंस भी ऑब्जर्व करता है। वर्ल्ड कैंसर डे जो है इसी दिन 4 फरवरी 2000 में, मतलब लगा लो आज से 22 साल पहले जो है वर्ल्ड कैंसर समिट अगेंस्ट कैंसर फॉर द न्यू मिलेनियम जो है वो कंडक्ट किया गया था पेरिस में, और इस दिन चार्टर ऑफ पेरिस अगेंस्ट कैंसर जो है वो क्रिएट किया गया था, ठीक है। तो इसी में ही आपके कैंसर रिसर्च से रिलेटेड, पेशेंट सर्विसेज से रिलेटेड जो है चीज़ें इसमें चार्टर में लिखी गई थी। एक आर्टिकल भी एस्टेब्लिश किया गया था इसकी एनिवर्सरी पे, जो आपके 2008 में जो है उसी वर्ल्ड कैंसर डिक्लेरेशन के ही दिन में जो है हम इसलिए इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है सचिंद्रनाथ सान्याल। तो जो है आपके सचिंद्रनाथ सान्याल, उनकी 80th डेथ एनिवर्सरी है 7th फरवरी को थी, तो उस दिन हमने उनको जो है ऑब्जर्व किया है, उस रिमेंबर किया है उनको। अब उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो वो हमारे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो है वो फाउंडर थे, जिसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी कहा जाता है। तो ये आर्म रेजिस्टेंस करते थे अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। इन्होंने बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, इनको भी जो है मेंटर किया था। राज बिहारी बोस जी के साथ मिलकर इन्होंने वॉइसरॉय हार्डिंगे के ऊपर अटैक किया था जब वो दिल्ली जा रहे थे। तो सान्याल जी जो है वो गदर कॉन्स्पिरेसी में भी बहुत क्लोजली इन्वॉल्व थे, और इनको सेलुलर जेल में भी इम्प्रिजन किया गया था। जब इनको सेलुलर जेल में भी इनको इम्प्रिजन किया गया था। जब काकोरी कॉन्स्पिरेसी में इनका हाथ पाया गया ब्रिटिश द्वारा, तो इनको जेल कर दिया गया, और गोरखपुर जेल में 7 फरवरी 1942 को इनका देहांत हुआ था, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है सोबा रिगपा। तो पहली बार जो है NCISM नीट के जो है उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया है बैचलर ऑफ सोबा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए, ठीक है। तो ये एक आपका कोर्स है जिसके लिए पहली बार एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया गया है। तो सोबा रिगपा आपको पता है साइंस ऑफ हीलिंग, जिसको हम कहते हैं वन ऑफ द 7 आयुष सिस्टम्स है, जिसको UGC ने रिकॉग्निशन दिया October 2021 में। इसको हम आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग वेल डॉक्यूमेंटेड मेडिकल ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड है ये। बहुत ज़्यादा वाइडली प्रैक्टिस्ड है तिब्बत में, मंगोलिया, भूटान, चाइना के कुछ पार्ट्स, नेपाल, हिमालयन रीजन्स ऑफ इंडिया, और कुछ इवन सोवियत यूनियन के भी पार्ट्स में इसको प्रैक्टिस किया जाता रहा है। इंडिया में इसको सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मतलब आपके जो हिमालय रीजन है वहाँ पर इसको प्रैक्टिस किया जाता रहा है, ठीक है। अब इसमें होता है क्या कि बॉडी जो है जो डिसीज़ में है उसको लोकस ऑफ द ट्रीटमेंट रखा जाता है, कि सारा जो है एफर्ट्स उसके ऊपर लगाए जाते हैं। एक एंटीडोट जिसको हम ट्रीटमेंट कहेंगे वो तैयार किया जाता है, और
उसी ट्रीटमेंट, उसी एंटीडोट के थ्रू जो है वो आपका इलाज किया जाता है, ठीक है। मेडिसिन के ऊपर भी फोकस होता है इसका, मेडिसिन जो है जो कि उस डिसीज़ को क्योर करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रीटमेंट, जो आपका बॉडी इन डिसीज़ है उसको फोकस रखा जाता है। तो हर बॉडी यूनिक है इस मेथड के हिसाब से, हर बॉडी को ही लोकस ऑफ ट्रीटमेंट रख के उसी के हिसाब से ही एंटीडोट और मेडिसिन तैयार की जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है स्पुतनिक लाइट। तो DCGI जो है हमारा, उन्होंने इमरजेंसी यूज़ परमिशन दे दिया है सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट कोविड वैक्सीन को। तो आपको पता है स्पुतनिक वी तो ऑलरेडी इंडिया में हमारे को अवेलेबल है, अब स्पुतनिक लाइट को भी जो है वो इमरजेंसी यूज़ परमिशन मिल गया है। तो ये सिंगल डोज वैक्सीन है, तो ये आपके 80% एफिकेसी इसकी देखी गई थी, रशियन अथॉरिटीज़ का ऐसा कहना है। तो जिन्होंने स्पुतनिक वी को बनाया है, रशियाज गमालिया इंस्टीट्यूट, उन्होंने ही स्पुतनिक लाइट को भी बनाया है। और इसकी वैक्सीन 28 दिन के अंदर टेस्ट में देखी गई कि ये 79.4 मतलब ऑलमोस्ट 80% इसकी एफिकेसी है। अब ये एडिनो वायरस वैक्टर प्लेटफॉर्म, जो आपका स्पुतनिक वी का ही जो प्लेटफॉर्म है, जो आपका एडिनो वायरस है, एडिनो वायरस वैक्टर है, उसी का ही यूज़ करते हुए स्पुतनिक लाइट को भी बनाया गया है। ये आपके कॉमन कोल्ड जो कॉज करता है आपका एडिनो वायरस, उसी का ही यूज़ करते हुए, बहुत हार्मलेस होता है ये वायरस, ठीक है, उसी का ही यूज़ करते हुए इस वैक्सीन को बनाया गया है। अब सिंगल डोज रेजिमेंट के ये फ़ायदे हैं कि हम बहुत लंबे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को हम बहुत कम टाइम में वैक्सीनेट कर सकते हैं। और सोचो किसी कंट्री में, खासकर अफ्रीका में, जहाँ पर वैक्सीनेशन अभी अच्छी नहीं हुई है और वहाँ पर कोई आउटब्रेक की सिचुएशन हो जाए ऐसी कोविड की, तो हम बहुत जल्दी से इसको शिप कर सकते हैं और इस जो है लोगों को बहुत लंबे, मतलब क्योंकि सिंगल डोज वैक्सीन है तो बहुत सारे लोगों को एक ही बारी में वैक्सीनेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कोरोना वायरस भी कम स्प्रेड होगा और इम्यूनाइजेशन भी फास्टर हो जाएगी। और इसकी हाई इम्यूनिटी लेवल्स तो ऑलरेडी है ही, हमने विटनेस किया है कि ऑलमोस्ट 80% इसकी एफिकेसी आ रही है। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेटेड एरियाज अराउंड मॉन्यूमेंट्स। तो 100 मीटर रेडियस का जो अभी करंट रूल है कि सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के 100 मीटर के आसपास जो है वो प्रोहिबिटेड एरिया होगा और 300 मीटर्स के आसपास उस सेंट्रल मॉन्यूमेंट के आसपास जो है वो रेगुलेटेड एरिया होगा, उसको रिविजिट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है। तो अब गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो MSR एक्ट था 1958 का, उसको 2010 में अमेंड किया गया और ये 100 मीटर तक का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को प्रोहिबिटेड एरिया बना दिया गया और जो है उसके 300 मीटर के रेडियस को, उससे अगले 300 मीटर के रेडियस को रेगुलेटेड एरिया कर दिया गया। तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो 2010 में अमेंडमेंट की गई है, इसका कोई लॉजिक नहीं दिया गया, कोई रीज़न नहीं बताया गया कि 100 मीटर और 300 मीटर कौन सी स्टडी के बेसिस पर ये कहा जा रहा है और ये सारी मॉन्यूमेंट्स पे कैसे एप्लीकेबल हो सकता है। अब गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज़ किया है, वो कह रहे हैं हम इसको रैशनलाइज करेंगे इस लिमिट को। तो उन्होंने बोला है कि कुछ जैसे ताजमहल है, ताजमहल में हमको 500 मीटर तक का जो है वो एरिया हमको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा या रेगुलेट करके रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे सेंट्रल मॉन्यूमेंट्स हैं जो बहुत ही आपके भीड़ भाड़ या कंजेस्टेड इलाके में, उसके अगर आप 500 मीटर तक या 300 मीटर तक अगर आप प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कर दोगे तब प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो इस 100 मीटर और 300 मीटर की जो है इसको हटाकर हर मॉन्यूमेंट को एक स्पेसिफिक केस की तरह देखेगी और उसके हिसाब से ही प्रोटेक्ट प्रोहिबिटेड एरिया और रेगुलेट एरिया को डिसाइड करेगी, ठीक है। इससे जो है हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पावर मिलेगी कि वो कोई भी किसी भी तरह की एंक्रोचमेंट जो है उसको हटा सके, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ग्रीन बॉन्ड्स। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करने लगी है, जिससे होगा क्या कि आपके जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। अब जो पैसा इकट्ठा होगा इस ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करने से, उसको पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा ताकि इंडिया जो है वो अपनी कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सके। अब गवर्नमेंट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि जो ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होंगे ये, और ये लॉन्ग टेन्योर के बॉन्ड्स होने वाले हैं, ठीक है। अब ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, जैसा आपका कोई भी नॉर्मल बॉन्ड होता है, बस इसका ये क्या होगा कि जो गवर्नमेंट पैसा उठाएगी उस बॉन्ड के थ्रू, वो सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स को ही फंड करने में इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एटसेट्रा, ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स में फंडिंग की जाएगी। अब ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, इस पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो भी ये बॉन्ड खरीदेगा, ठीक है। इवन कई बार कुछ केसेस में देखा गया कि टैक्स बेनिफिट्स भी देती है गवर्नमेंट अगर कोई इसको इसमें इन्वेस्ट करे तो, ठीक है। अब ब्लू बॉन्ड्स के साथ इसका कंपैरिजन देखते हैं, तो ब्लू बॉन्ड्स जो है वो भी ग्रीन बॉन्ड्स की तरह होते हैं, लेकिन वो ओशन और उससे रिलेटेड इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो इशू किए जाते हैं। अब इसमें
जैसे हमारे सस्टेनेबल फिशरीज़, प्रोटेक्शन ऑफ कोरल रीव्स, या फिर हमारे पोल्यूशन, ओशन सी पोल्यूशन, एसिडिफिकेशन, इसको रोकने के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे उसके लिए जो फंडिंग है वो ब्लू बॉन्ड से उठाई जा सकती है। ठीक है, तो जो हमारा सेशल्स है, रिपब्लिक ऑफ सेशल्स, वो सबसे पहली कंट्री थी जिन्होंने वर्ल्ड के सबसे फर्स्ट सोवरेन ब्लू बॉन्ड इशू किया था नवंबर 2018 में सस्टेनेबल मरीन और फिशरीज प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो कि ऑल ब्लू बॉन्ड्स, जो जितने भी ब्लू बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे ग्रीन बॉन्ड्स हैं, लेकिन सारे के सारे ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्लू बॉन्ड्स नहीं हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक से आपकी लॉजिक से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक आपको एग्जाम में भी आ सकती है कि सारे ब्लू बॉन्ड्स जो हैं वो ग्रीन बॉन्ड्स हैं लेकिन सारे ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्लू बॉन्ड्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Paraye Shikshale. So West Bengal government has launched this scheme, Paraye Shikshale. So it will be an open air classroom for the students studying in class 1 to 7. So what happened is that the students who dropped out of schools during the COVID-19 pandemic need to return to their school education. So recently the higher classes, the classes 8 to 12, they have been opened, but the students who are between the classes 1 to 7, they are suffering. Okay, so these primary school students are suffering. So what is the solution for that? So West Bengal government has come up with a unique solution. So they have opened this open air classrooms, which will be basically, if a school has enough ground or enough space available at their disposal or at their premises, they will be conducting classes in open air. Okay, like in ground, they will establish some chairs and tables so that the students would not need to sit in a classroom. Okay, so in cases the schools do not have this much space available to conduct classes, in that case the local councillors and MLAs will help establish infrastructure in parks in the areas where the schools are located, so that the even midday meal arrangement would also be made available for the students in these areas. Okay, so students would be able to have their education in such open air classrooms, and it will, being open air, it will also prevent them from COVID-19 infection. Okay, so now let us see the next topic, which is World Cancer Day. So World Cancer Day is observed on 4th of February every year to create awareness about cancer and to encourage its prevention, detection and treatment. So on this very day, 4th of February, the Union for International Cancer Control started supporting the goals of World Cancer Declaration, which was written in 2008. Okay, so the primary goal of World Cancer Day is to reduce illness and deaths caused by cancer. Okay, this day was also observed by the United Nations, and the World Cancer Day was actually established on 4th February 2000 when the World Cancer Summit was held in Paris, and this Charter of Paris Against Cancer was also adopted to promote research, prevent cancer and improve patient services. Okay, so now let us see the next topic, which is Sachindranath Sanyalji. Okay, so the country is remembering revolutionary Sachindranath Sanyalji on his 80th death anniversary, which falls on the 7th of February. So he was the founder of Hindustan Republican Association, and it was also known as the Hindustan Socialist Republican Association. So he also mentored certain revolutionaries like Chandrasekhar Azad ji and Bhagat Singh ji. So along with Raj Bihari Bose, he even attacked Viceroy Hardinge while he was traveling to the new capital of Delhi. And Sanyalji was also involved in the plans for Ghadar conspiracy. He was also imprisoned at cellular jail, and he was a revolutionary. So he was jailed by the British also for the involvement in Kakori conspiracy. He passed away in Gorakhpur jail on 7th February 1942. That's why we are remembering him on his 80th death anniversary. Okay, so now let us see the next topic, which is Soba Rigpa. So for the first time in India, NCISM NEET has conducted an entrance test for the Bachelor of Soba Rigpa course, and this is the first time we have after Soba Rigpa received recognition in October 2021, this entrance test is being held. Okay, so this Soba Rigpa is also called the Science of Healing. It is one of the seven Ayush systems. It is commonly known as Amchi system of medicine. Okay, so it is one of the oldest living and well documented medical tradition of the world. It is popularly practiced
इन तिब्बत, मंगोलिया, भूटान एंड सम पार्ट्स ऑफ चाइना, नेपाल एंड हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया लाइक सिक्किम, अरुणाचल, दार्जिलिंग, हिमाचल एंड लद्दाख. एंड इट वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड, इट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन सम पार्ट्स ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन. ओके, सो द फोकस ऑफ दिस सोवा रिग्पा ट्रेडिशन ऑफ मेडिसिन इज अबाउट द बॉडी विच इज इन डिसीज. सो फॉर सोवा रिग्पा एवरी बॉडी इज यूनिक एंड द ट्रीटमेंट दैट इज द एंटीडोट विल ओनली बी फाउंड आफ्टर विटनेसिंग द बॉडी इन डिसीज. ओके, सो द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट थ्रू एंटीडोट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी in disease which is the locus of the treatment and the medicine is also dependent upon that body, on that particular body. Okay, so now let us see the next topic, which is Sputnik Light. So DCGI has approved or given emergency use permission to a single dose Sputnik Light COVID vaccine, and it is a single dose COVID vaccine which it is found to be having 80% efficacy. So it is also developed by the same Russia's Gamaleya Institute which developed the Sputnik V vaccine. Okay, so for a trial which was taken from in 28 days, it was found to be about 79.4% effective, and just as recently as yesterday, there was also news that Sputnik Light was found to be twice as effective against Omicron variant as the Pfizer vaccine. Okay, so Sputnik Light vaccine is based on a adenovirus vector platform. This adenovirus is basically the virus which causes common cold in humans, and it is harmless. Okay, so this vaccine has been developed using this adenovirus vector platform, and because it is a single dose vaccine, so we can immunize a large group of people in a very short time using this single dose vaccine. Okay, so this can be shipped to a country which is suffering from an acute outbreak of COVID-19. Because of it being a single dose, we can vaccinate a lot of people in one go. Okay, so it will prevent not just the spread of coronavirus, but using faster immunization, we would be able to establish higher immunity levels in the society. Okay, so now let us see the next topic, which is prohibited and regulated areas around monuments. So the 100 meter radius, the rule of 100 meter radius around centrally protected monuments being prohibited areas, and the 300 meter, next 300 meter area is regulated area, is bound to be changed now. What is the issue is that the government has argued that the MSR Act of 1958 was amended in 2010, and this 100 meter radius and 300 meter radius as regulated areas, 100 meter radius as protected monuments was arbitrarily decided because there was no specific reason given for this classification. So now the government is saying that they would change this section 220A of this act, and they will form an expert committee which would rationalize this prohibited and regulated areas definition. Okay, so they would decide the prohibited area around a monument as per the monument site. So it will not be a universal definition, it will be it will be done on a case to case basis. So like for Taj Mahal, this definition could be this protected area, or this prohibited area or regulated area definition could be as wide as 500 meters, and for certain other central monument it could be less. Okay, so it would be decided by the expert committee on a case to case basis. So it will also enable the Archaeological Survey of India to act against encroachments which are undertaken by the neighborhood forces around the central monuments, and it will empower the relevant authorities to take action against them. Okay, so now let us see the next topic, which is green bonds. So Union Finance Minister in her budget speech has confirmed that the government proposes to issue sovereign green bonds to mobilize resources for green infrastructure. Okay, so the proceeds which will be received from issuing these green bonds would be deployed in public sector projects so that India can reduce its carbon intensity. Okay, so these will be rupee denominated bonds, and they will have a long tenure. Okay, so what is basically a green bond? So it's a debt instrument like any other bond, but the capital which is raised through these bonds is only deployed in green projects. Okay, so like renewable energy projects, clean transportation projects, or sustainable water management projects. So certain clean energy projects or green energy projects in these areas, this
funds are deployed. Okay, so it is under this bonds, the government basically pays a fixed rate interest to those who have subscribed these bonds. Okay, so it's a fixed income instrument, and it is basically a loan which is taken by the government, or let's say in this case it is government, but in other cases it could be a corporate company also. Okay, so basically a person or a government is taking loan from an investor, and it is paying a certain sum of money, a fixed sum of money to that investor. Okay, so because these are green bonds, so government can make it more lucrative by offering tax benefits also. Okay, so let's also compare it with the blue bonds. So blue bonds are basically sustainability bonds, so which are issued to protect the ocean and related ecosystems. So basically projects like sustainable fisheries projects, protecting coral reefs, certain projects which can protect coral reefs and other ecosystems related to the ocean, or reducing pollution and acidification of the ocean. Projects related to all such fields can be funded through such blue bonds. Okay, so Republic of Seychelles became the first country in the world to issue the world's first sovereign blue bond. Okay, so it was issued, these were issued in November 2018 to support sustainable marine and fisheries projects. Okay, so like you can understand through this logic that all blue bonds are green bonds, because any blue bond would of course be made to secure the climate or the ecosystem or the environment. That's why all blue bonds are green bonds, but of course not all green bonds are blue bonds. Okay, so this would be a statement which can be utilized by the UPSC to confuse you in an exam. So that's why I have mentioned it here, so that you can prepare about it, you can think about it. So this all blue bonds are green bonds, but not all green bonds are blue bonds. So you just think about it, why it is true. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.